अयोध्या में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। सरयू किनारे दीपोत्सव होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। राम और सीता सीएम योगी के रथ पर सवार होंगे, झांकी निकाली जाएगी और भगवान का जय जयकार होगा। तमाम आयोजनों के बाद ये सवाल खत्म नहीं होगा कि रामलला का मंदिर कब बनेगा और कैसे बनेगा, कोर्ट के रास्ते, बातचीत से या फिर कानून से। राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन लंबे समय से केस लंबित है न्यायालय में। हम चाहते हैं कि इसका फैसला शीघ्र हो, तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए अगर लगता है कि कोर्ट में फैसला आने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसमें कानून भी लाया जा सकता है। वैसे निकम्मे पनी है दोनों सरकारों की, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की, इस पे लोगों की नज़र नहीं जाए इसलिए हम उनको धार्मिक उन्मान में मुब्तला करें। इसी का प्रयास मोदी जी भी करते हैं, इसी का प्रयास योगी जी भी करते हैं। दिलचस्प है कि राम मंदिर को लेकर कानून की बात देश के जूनियर कानून मंत्री कर रहे हैं, पीपी चौधरी से पहले दो दूसरे केंद्रीय मंत्री लगातार राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर के अंदर एक बाल को लेकर के हिल जाती है पूरे प्रशासन, तो ये साधु संतों का सब्र टूटना स्वाभाविक है, और ये सब्र ना टूटे इसकी चिंता सरकार और न्यायालय को करना चाहिए। नेतागिरी में कुर्सी के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कर रही है। अगर मुसलमान कोई इस तरीके से बयान देता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है। राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। रामलला जहां विराजमान है उनको कोई वहां से हटा नहीं सकता, और वहां भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आपके राम राजनीति का औजार है, भूथरा हो जाता है, और जब बाकी मुद्दों पर से आपकी ग्रिप खत्म हो जाती है, कोई सवाल नहीं होता है, तो आप उसको शान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। काट की आड़ी बार बार नहीं। केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, उधर साधु संत भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिल्ली में दो दिन की बैठक में जमकर माथापच्ची हुई और फिर संतों ने कहा धैर्य जवाब देने लगा है। मैं बहुत क्षुब्ध हूँ, बहुत क्षुब्ध हूँ। मेरे क्षोभ का आज वारा पार नहीं है। प्रतीक्षाएं हो चुकी, समीक्षाएं हो चुकी, सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। अब तो एक ही होना चाहिए, श्री राम मंदिर किसी प्रकार बने। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई चीज दिखा दो, सब कुछ राम के नाम है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी कि वहां पर मस्जिद बना दो? अयोध्या में किसी कीमत पर दुनिया की कोई ताकत मस्जिद नहीं बना सकती है। अयोध्या में बनेगा तो केवल रामलला का मंदिर बनेगा। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने साधु संतों को दिवाली पर अयोध्या आने का न्योता दिया है और कहा है कि दीपोत्सव के साथ ही आगे के काम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वह काम बहुत जल्दी होगा। कार्य के प्रति सत्संकल्प, और ये सत्संकल्प हम सबको निश्चित ही उसे साकार रूप में प्रदान करने में सहायक होगा। सभी पूज्य संतों को मैंने दीपावली में अयोध्या आमंत्रित किया है, वे सभी अयोध्या आए, भगवान राम के अयोध्या आगमन के उत्सव में शामिल हों। सारे कार्य यथा समय पूरे होंगे, आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। यानी संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक राम मंदिर की वकालत कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ये काफी दिलचस्प है कि बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है।